सबसे पहले तो आज विधानसभा इलेक्शन के बाद आज तमाम हमारे वेब पोर्टल के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम साथियों का अपने हेड ऑफिस जम्मू में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज सबसे पहले ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत मैं सरकार बनने का स्वागत करता हूं। और इस वक्त जो हमारे 90 MLA जो बने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो नई असेंबली इस वक्त श्रीनगर में कल ही अभी ओथ ली, सभी ने, सभी ऑनरेबल MLA साहबान को मुबारकबाद। और उसी के साथ साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिना के जो साथी हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद जो है वो पेश करता हूं। कल जो वाकया 2 दिन पहले जो बड़ा दुखद वाकया कश्मीर में हुआ, गांधरबल में हुआ, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट, हमारी पूरी टीम की ये मांग है कि जो वाकया वहां पे हुआ उसकी NIA जांच जो है वो करवाई जाए। वो इसलिए हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं, 10 दिन पहले जहां 12-12 बजे तक रात को कंपेनिंग होती है, वो चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, पुलवामा की करें, कुलगाम की करें, अनंतनाग की करें, आप जो है शोपियन की करें, या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, गांधरबल की करें, बड़गाम की करें, बांडीपुरा की करें, या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बारामूला वगैरह की, तो जहां 12-12 बजे तक रात को कंपेनिंग चलती रही, तब कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। अब क्या वजूहत हो गई कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ ली, जैसे ही कैबिना ने ओथ ली और उसके फौरी बाद ये हादसा जो है वो हुआ कि जहां 6 जो लेबर तबका के साथ वावास्ता लोग, और जिनमें हमारे जम्मू कश्मीर से भी हमारे एक अबरोल फैमिली से बच्चा भी हमारा था और बाकी राज्यों से भी लोग थे, और एक डॉक्टर जो हमारा, उसको भी शहीद किया गया, ये क्या अभी वजूहत है? इस पे थोड़ी सी नजरसैनी जो है होम मिनिस्ट्री डाले।